स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसीसी मेंस टी20 या प्रीमियर कप के बारे में। यूएई वर्सेस ओमान के बीच में जो गेम होने वाला है, जीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें जानेंगे और मिनी जीएल के नज़रिए से भी सारी बातें बताएगी कि इस गेम में क्या हो सकता है। फाइनल टीम के लिए कहाँ वो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, कहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक से बड़े आराम से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए और वहीं पर आकर जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि सारी अपडेट्स लाइनअप के बाद जो भी टॉस अपडेट जो भी होती हैं सारी अपडेट्स वहीं पे मिलती हैं, चाहे वो आईपीएल की फाइनल टीम हो चाहे वो कोई वुमेंस गेम हो, सारी टीमें फाइनल वहीं पे मिलती हैं और सारी अपडेट्स भी वहीं पे मिलती हैं। चलिए चलते हैं और बातें करते हैं कि दोनों टीमें अब तक क्या करके आ रही हैं। अगर हम बात करें ओमान के बारे में, ओमान एक कंफर्टेबल विन करके आ रही है कंबोडिया के सामने, करना भी चाहिए ना, क्यों ना करें। सामने वाली टीम वीक है, ओमान की टीम उनके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है, एक इजी विन। हाँ, लेकिन सामने अब की बार यूएई होगा, सॉरी टू से एक सेकेंड, हाँ यूएई होने वाली है, तो उनके लिए टास्क डिफिकल्ट होगा। दोनों टीमें जो हैं अच्छी क्वालिटी वाइज, दोनों टीमें अच्छी हैं, तो ये गेम एक टक्कर का गेम होना चाहिए, ना कि वन साइडेड। अगर हम बात करें ओमान की तरफ से, इस गेम में बारिश हुई थी, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा वेदर जो है वो रेन वाला है, तो इस गेम में भी अगर रेन आ जाए तो शौक मत होइएगा कि रेन हो सकती है, लेकिन अगर रेन नहीं होती तो एक अच्छा गेम हो सकता है। अगर बात करें कि ओमान की तरफ से नसीम खुशी बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, 6 सिक्सेस 6 बाउंड्रीज, बहुत अच्छी इनिंग इन्होंने दिखाई। फिनिशिंग में रफीउल्ला और खालिद खेल ने बहुत अच्छी फिनिशिंग की, उसके अलावा प्रजापति, अकीबिल्लिया, जिसान मकसूद, अयान खान, इनको अच्छा स्टार्ट मिला। लेकिन वैसे भी 11 ओवर में आप क्या ही रन बना देंगे, 150 प्लस आप बना देते, उसके अलावा आपको क्या चाहिए। 11 ओवर्स हैं आपके पास बॉलिंग करने को, एक ईजी विन है। अगर बात करें गेंदबाजी से, 2 ओवर बिलाल ने डाले, 1 ही ओवर फयाज़ भट्ट, मेहरान खान ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 2 ओवर की मकसूद ने की, 3 ओवर की गेंदबाजी अकीब इलियाज ने की और 1 ओवर की अयान खान। अकीब इलियाज एक और गेम में 4 विकेट हॉल, कमाल की गेंदबाजी। मेहरान खान ने भी अच्छी गेंदबाजी की, इस गेम में हमने क्लीन स्वीप किया था, हमारे कैप्टन अकीब इलियाज थे, बहुत मज़ा आया था। अगर बात करें तो मेहरान खान को भी हमने रखा था, जिनका सिलेक्शन 8% ही था। होप उम्मीद करेंगे इस गेम में भी अच्छा जाए। अगर बात करें दूसरी टीम के बारे में, ये दूसरी टीम क्या करके आ रही है, तो यूएई बहुत कमाल खेली थी, बहुत कमाल, धमाल मचा दिया था एकदम यूएई ने बारेन के सामने, एक इजी विन। इस टीम के लिए भी 230 का टोटल खड़ा करती हैं, 199 पर रोक देती हैं, एक कंफर्टेबल विन इनके लिए भी नज़र आया था, ये बात याद रखिएगा। अलीशान सराफू, मोहम्मद वजीम और उसके बाद आसिफ खान, इन तीनों टॉप ऑर्डर को भेद पाना है, इन तीनों टॉप ऑर्डर को आउट करना उतना आसान नहीं है। बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं तीनों के तीनों, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो अलीशान सराफू हो, मोहम्मद वजीम हो या आसिफ खान हो। अगर इनकी गेंदबाजी से बात करें, इनके मेन बॉलर थोड़ा सा योगदान उतना अच्छा नहीं दे पा रहे, क्या पता क्यों, लेकिन जुनेद सिद्दीकी हो गए, आकिब राजा हो गए, ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। कैफुल्ला राजा खान जो है ना, बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन विकेट नहीं मिल रहे हैं। अयान खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अली नाजिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद फारूक ने अभी अब अच्छी बॉलिंग करने लगे हैं, ये अगर 4 ओवर भी डाल जाए तो शॉकिंग नहीं होगा। मोहम्मद वजीम इनकी कप्तान भी आके हाथ साफ करते हैं, 1 ओवर डालते हैं और 1 विकेट भी निकाल देते हैं। अब चलिए चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, जीएल मिनी जीएल और सारी बातें वहीं पे जाके करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़ जाइएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग फर्स्ट करें फिर भी आप नजीम खुशी पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओपनिंग कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, जीएल में अगर आप 10 टीम ट्राई करना चाहते हैं तो एक टीम पे जरूर इनके ऊपर रिस्क लीजिएगा, वो भी उस कंडीशन में कि यूएई की टीम पहले बैटिंग कर रही हो। उसके अलावा तो नजीम खुशी एक अच्छी चॉइस है, वजीम मोहम्मद रखने हैं, अलीशान सराफू रखने हैं और आसिफ खान रखने हैं, तीनों क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और टॉप 3 को आउट करना उतना आसान नहीं होगा। सामने बॉलर अच्छे हैं, लेकिन ये तीनों बहुत अच्छी बैटिंग करते नज़र आ रहे हैं। अगर किसी पे किसके ऊपर आप रिस्क लेंगे, क्यों आप रिस्क लेंगे, सामने वाली टीम बिलाल खान है, लेकिन क्या किसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। मोहम्मद वजीम पे हिट एंड मिस टाइप प्लेयर जरूर है, लेकिन स्टार्टिंग में आके 20-30 रन कर गए, 90% ऑडियंस के पास है तो फिर डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम चले ऑलराउंडर में, इन चारों को भी रखना है आपको, इन चारों को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते। इधर से अगर हम बात करें बॉलिंग से, जुनेद सिद्दीकी, अयान अफजल खान, अब 90% शायद यही कुछ प्लेयर आते दिखे आपको ड्रीम टीम में, लॉजिक है ना,
सारे प्लेयर के ऊपर लॉजिक है। खासकर जीशान मकसूद इस गेम में बहुत अच्छा करते नजर आ सकते हैं बैट बॉल दोनों से, ये बात मैं अभी कह रहा हूँ। जुनैद सिद्दीकी बॉल फर्स्ट करे तो ध्यान रखिएगा, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इस टीम में आप सिर्फ किस पर रिस्क लेंगे, अली नाजिर की बात करें 4 ओवर डाल रहे हैं, बासिम हमीद 4 ओवर डाल रहे हैं, ऐना अफजल खान 4 ओवर डाल रहे हैं, जुनैद सिद्दीकी 4 ओवर डाल रहे हैं, मकसूद है, इलियास हैं। एक सेकंड, जहाँ तक मेरे को याद है बासिल हमीद ने लास्ट गेम में ओवर नहीं किए थे। एक सेकंड, बासिल हमीद अगर ओवर नहीं डाल रहे ना, इन पे आप रिस्क ले लीजिए। अगर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है, ये इनके ऊपर रिस्क लेगा आप मोहम्मद फारूक को ट्राई कर लीजिए, क्योंकि 4 ओवर डाल रहे हैं। और अगर सामने वाली टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो बिलाल या फयाज में से किसी एक को रख लीजिए। अगर ओमान की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, अगर यूएई पहले बॉलिंग कर रही है तो अकीफुल्ला को रख सकते हैं, उस कंडीशन में ये टीम बन जाएगी। अकीफुल्ला खान एक अच्छा पंट हो सकता है, खासकर पहले बॉलिंग करते हुए। फिलहाल मैंने अकीफुल्ला की जगह फयाज भट्ट को ही रखा है। अगर हम बात करें अब सीवीसी के बारे में, सेफ जाना है अकीब इलियास विद जीशान मकसूद, ये दोनों सेफ हो जाएगी क्योंकि 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ में एक नंबर 3 और एक नंबर 4 पर बैटिंग करेगा, तो फिर आपको 20 से 30 रन देने की उम्मीद कर सकते हैं और 1 से 2 विकेट आराम से निकाल के दे सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना है, यूएई की टीम पहले बैटिंग कर रही है, वजीम मोहम्मद, आसिफ खान, अलीशान सराफू तीनों बहुत अच्छे चॉइस, लेकिन मैं इस गेम में अगर यूएई की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो जीएल में तो खासकर रिस्क लूँगा, और मिनी जीएल भी अगर खेलूँगा तो वो रिस्क के साथ खेलूँगा, जुनैद सिद्दीकी और फिर मैं वजीम मोहम्मद के जाने के साथ जाने की ट्राई करूँगा। और जीएल में तो खासकर मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो मेन पंट रहेंगे मोहम्मद फारूक रहेंगे, जीएल में एक आधी टीम में तो मैं इनको वीसी पक्का ट्राई करूँगा, क्योंकि अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक आधा विकेट कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अगर यूएई पहले बॉलिंग करती है तो बाकी सबको ओमान की टीम शायद संभल के खेले, इनके ऊपर अटैक करने को जाए, चाहे इनको वो जो 4 ओवर के स्पेल में है वो 40 रन पड़े लेकिन इनको 3 विकेट मिल जाए, मेरे लिए उतने ही काफ़ी है। वैसे भी सिलेक्शन कम है तो और भी मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपने कुछ सीखा होगा और होपफुली हम कुछ अच्छा करेंगे।